नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट के वीडियो में मैंने क्या किया था, एक सिलेंडर का प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में सिलेंडर का प्रॉब्लम था। और आज के लेक्चर में क्या देखना है, कोन का प्रॉब्लम देखना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ कोन बेस 50 mm डायमीटर, एक्सिस 65 mm लॉन्ग, लाइंग ऑन द ग्राउंड ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू वीपी। मतलब क्या है, ये जो आपका कोन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कौन क्या है, इसका जो ये जनरेटर है, ये एंड जनरेटर, उसके ऊपर क्या है, वो लाए है किस पे, एचपी पे। लेकिन उसका ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस क्या है, यहाँ पे वीपी है आपका, ये वीपी को क्या है, उसका एक्सिस पैरेलल है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे आपको वो कौन का पोजिशन कैसा है वो दिखाता हूँ, फिर ड्रॉ करने की तरफ जाते हैं अपन। जैसे कि आप देख रहे हो ना, अभी ये कौन है, उन्होंने क्या बोला है कि एक कौन है वो क्या है, लाइंग ऑन एच पी ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर। तो ये पोजीशन है, लेकिन उसका एक्सिस, ये हॉरिजेंटल प्लेन है आपका, ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसका जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस क्या है कि आपके वीपी के साथ क्या है, पैरेलल है, ये पोजीशन है आपका। तो आपको जब सेकंड पोजीशन निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल आएगा ऊपर, और यहाँ पे टॉप व्यू से देखने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे भी ट्रायंगल आएगा, लेकिन टॉप व्यू में क्या होगा, पूरे जितने भी पॉइंट्स है वो सब दिखने वाले हैं आपको। और जब आप इधर से देखोगे तभी भी सभी पॉइंट्स आपको दिखने वाले। तो ये तो सेकंड पोजीशन हो गया, लेकिन फर्स्ट पोजीशन क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। तो फ्रंट व्यू में क्या आएगा आपका, एक्स वाई लाइन पे आपका ट्रायंगल आएगा, और टॉप व्यू में क्या आएगा आपका, नीचे एक्स वाई लाइन के नीचे क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो ये आपको निकालना है, ये फर्स्ट पोजीशन है उसका। तो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे ये ट्रायंगल आएगा एक्स वाई लाइन पे, और यहाँ पे सर्कल आएगा। फिर उसको क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे डालना है, ठीक है। फिर यहाँ से देख के आपको यहाँ पे निकालना है, और ऊपर से देख के हॉरिजॉन्टल प्लेन पे निकालना है। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे क्या किया, सर्कल का जो टॉप व्यू में सर्कल आने वाला है उसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पे जो डायमीटर है मेरा वो कितना है, 50 का डायमीटर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2.5 का मार्किंग किया, और यहाँ पे इतना डिस्टेंस लेके क्या करूँगा मैं, सबसे पहले उसका टॉप व्यू निकाल लूँगा। ये मैंने कोन का यहाँ पे टॉप व्यू निकाला, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन मैं अभी क्या कर लेता हूँ, उसके प्रोजेक्शंस ऊपर ले लेता हूँ। ये सेंटर लाइन ऊपर गई, और इसका एक्सिस कितना है, 65 का एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 65 का मार्किंग किया, आप देख सकते हो। फिर इसको ज्वाइन किया, अब इसको ये जो वही डिस्टेंस कंटिन्यू करना है, जिनका 12 पार्ट्स नहीं आते वही डिस्टेंस कंटिन्यू करना है। और क्या करना है, इधर और इधर मार्किंग करना है, सेम यहाँ पे रख के, यहाँ पे रखो आप इधर, और ये साइड मार्किंग करो, फिर ये साइड रखो यहाँ पे, और यहाँ पे मार्किंग, फिर इधर रख के यहाँ पे, और यहाँ पे मार्किंग, और इसको नाम दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और यही प्रोजेक्शंस क्या करने हैं आपको, आगे लेके जाने हैं बेस तक। ये बेस तक लेके गए, फिर इसको क्या करना है, पेंट इसमें आपको क्या करना है, अपेक्स तक उसको ज्वाइन करना है। हो गए, अभी इसके नाम यहाँ पे दे दो, ये 1 है, ये क्या है, 2 है, 10 यहाँ पे, 11, और ये 12 है। तो आपको क्या करना है, ऊपर 2 देना है, नीचे 12 देना है, ऐसे नाम देने हैं। फिर यहाँ पे क्या है, 3, 11 है, 3, 11, 4, 10, 5, 9, 6, 8, और ये क्या है आपका, 7 है, और ये आपका ऊपर का पॉइंट क्या है, O है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो जनरेटर है ना, ये जनरेटर के ऊपर क्या करना है, इसको ऐसे ये कर देना है। तो आप कैसे करोगे, ये जनरेटर का इतना डिस्टेंस ले लो यहाँ पे, ये जनरेटर का इतना, और क्या करो यहाँ पे रखो किधर भी, और क्या करो यहाँ पे एक पॉइंट निकाल दो। मतलब आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है आपका, 7 नंबर का पॉइंट है।
फिर उसके बाद सेवन से क्या करो, इतना डिस्टेंस ले लो, ये जो बेस का डिस्टेंस है ना 50, वो उतना डिस्टेंस ले लो इतना, और फिर क्या करो यहाँ पे उसको एक चाप बनाओ। फिर वापस यहाँ से ये ओ तक का डिस्टेंस लो, यहाँ पे रखो और क्या करो यहाँ पे चाप निकालो, फिर इसको क्या करो ज्वाइन कर लो। आया समझ में कैसे किया मैंने? सबसे पहले इतना डिस्टेंस लिया इतना, और क्या किया ये लाइन पे उसको मार्क किया, फिर बेस का डिस्टेंस लिया यहाँ पे रखा और यहाँ पे चाप बनाया, फिर वापस इतना डिस्टेंस लिया यहाँ रखा और यहाँ पे चाप बनाया। तो इसको ज्वाइन करने के बाद आपका जो ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे लाइंग कंडीशन, लाइंग ऑन एचपी जो था वो आपका यहाँ पे फ्रंट व्यू आ गया। अभी क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ना ये यहाँ पे मार्क करने हैं आपको। तो कैसे करोगे, एक साइड से इतना डिस्टेंस ले लो सेंटर वाला, और क्या करो यहाँ पे मार्क कर दो सेंटर पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट से इतने डिस्टेंस ले लो, ये वाले डिस्टेंस लिया, इधर इधर मार्क कर दिया ये साइड और ये साइड, ठीक। फिर इधर से इतना डिस्टेंस लिया यहाँ पे रखा ये साइड और ये साइड मार्क किया, फिर इसको ज्वाइन कर लो, इसको जो अपेक्स से है ना ज्वाइन करना है आपको। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कौन से चैप्टर पे वीडियोस चाहिए आप बोल भी सकते हो मुझको, जितना हो सकता है मैं उससे उतना कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की। अभी ये पॉइंट्स हो गए, इनको नाम दे दो जो पॉइंट्स थे ना, अभी ये सेवन पे शिफ्ट हो गया था, तो ये क्या होगा आपका सिक्स और एट होगा, ये होगा आपका 5 9, ये होगा 4 10, ये होगा 3 11, ये होगा 2 12 और ये होगा 1। अभी ये पॉइंट्स क्या करना है आपको, नीचे लेके जाना है, जितने भी प्रोजेक्शंस है ना आपको क्या करना है नीचे लेके जाओ, और ये इधर के जो प्रोजेक्शंस है ये साइड लेके जाओ। अभी ये कौन सा था, 4 था, 4 किधर है आपका, ये जो वाली लाइन है ना ये है 4 की, फिर 3 और 5 का मैं इधर लेके गया, तो 3 कहाँ पे है, ये लाइन है 3 की, ये लाइन है 3 की और ये लाइन है 5 की, फिर 2 और 6, 2 किधर है आपका, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है सेकेंड लाइन, और 6 क्या है इधर से ये नंबर वाली लाइन है, फिर 1 और 7, 1 किधर है आपका, 1 इधर है ठीक है, और 7 किधर है, इधर है, फिर 8 और 12, 8 कहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 12 कहाँ पे, यहाँ पे, फिर 9 कहाँ पे, ये वाला 9, ये थर्ड वाली लाइन 9, और बस आपको क्या करना है ऐसे पॉइंट्स कंटिन्यू करना है। और ये लास्ट वाला कौन सा था, ये 10 नंबर का था, 10 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे 10 नंबर, और आपका ये पॉइंट भी नीचे ले लो, ये जो अपेक्स का था इसको नीचे ले लो यहाँ पे, ये पॉइंट्स क्या होंगे, सब पॉइंट्स ऊपर से देखा ना तो सब पॉइंट्स दिखने वाले हैं। तो इसको क्या करो ऐसे ज्वाइन कर लो, उनको नाम दे दो, और ये क्या कर लो यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो, बस आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।